केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम लागू की है सरकारी कर्मचारियों के लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन मिलेगा। 25 साल अगर काम करते हैं तो पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। 10 साल में नौकरी छोड़ने पर 10,000 पेंशन। जी हाँ, पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अभी अभी की बहुत बड़ी खुशखबरी, पेंशनर्स की दो मांगों को मिली फाइनली स्वीकृति। ईपीएस पेंशन को लेकर यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार का हुआ बहुत बड़ा फैसला। साथ में अब आपको मिनिमम जो पेंशन है उसके अलावा कौन कौन से अन्य आपको लाभ मिलेंगे। साथ में मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपये की मिलती है उसे बढ़ा करके कितना किया गया है। साथ में आपको पेंशन के अलावा मेडिकल बताएं हायर पेंशन है वो किनको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि आखिरी मेडिकल भत्ता और मिनिमम पेंशन है उसमें क्या सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, कौन सी दो मांगे हुई स्वीकार। अभी अभी की 10 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही बात करेंगे ओपीआर एनपीएस को लेकर सरकार ने क्या आखिरी बैठक से ऐलान किया, क्या सरकार ने एनपीएस को भी खत्म कर दिया है या फिर आपकी ओपीएस होगी फिर से बहाल। तो आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। यूपीएस इनकी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन। तो सरकार की बड़ी सौगात यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी क्या है, जो कि यूपीएस पेंशन यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आज की इस वीडियो में आपकी इस यूपीएस पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने क्या नया ऐलान किया उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी कितनी होगी, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आखिर क्या बड़ा फैसला होने वाला है और आपको पेंशन आखिर कितनी मिलेगी और ईपीएस पेंशनधारक उनके लिए सरकार क्या फैसला करने वाली है। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की नई ताज़ा अपडेट भी देखने को मिलेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज रात 8 बजे से किन पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी होगी, तो क्या सरकार ने बड़ा फैसला किया है और कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बात करें तो केंद्रीय श्रम मंत्री के द्वारा यानी कि रोजगार एवं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो आश्वासन दिया गया था उसके बाद पेंशन धारकों की उम्मीदें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं कि सरकार अब हमारी पेंशन की राशि में इजाफा करेगी। तो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। तो क्या अब आपको पेंशन 1,000 रुपये की जगह 8,500 रुपये का मिलेगा पेंशन मिनिमम, या फिर आपको वेल्थ लिमिट 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये का वेल्थ लिमिट मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और आखिर क्या इसकी सच्चाई है वो भी जानेंगे। तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो बिल्कुल आप अंत तक ध्यान से देखते रहेगा। तो यहाँ पर अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो इस तरह की मिली है कि आज वित्त मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन को मिली आज स्वीकृति। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर और एनपीएस ओपीएस को लेकर केंद्रीय मंत्री की यानी कि बैठक भी हुई और उसके अंदर मोदी सरकार ने जो कर्मचारी संगठन यूनियन है उनके साथ मुलाकात की और यूपीएस पेंशन योजनाएं की एनपीएस की जगह लागू करने को लेकर मंजूरी दी है। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने बैठक में ईपीएस पेंशन को लेकर आखिरी क्या बड़ा फैसला लिया है तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पेंशन को लेकर ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है जिसमें क्या सच्चाई होने वाली है कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय से क्या पेंशन धारकों को फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी मिली है या फिर नहीं। तो पीएम मोदी का जो लोकसभा की बैठक से इस तरह की भी जानकारी बताई जा रही है कि 7,500+ DE की पेंशन को लेकर सिर्फ चर्चा ही है। अभी फिलहाल सरकार ने मंजूरी देने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है कि 7,500+ DE की पेंशन को मंजूरी दी जाएगी, साथ में आपको DA मिलेगा या फिर मेडिकल भत्ता मिलेगा या फिर नहीं। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बैठक तय बताई जा रही है कि जो बैठक हो सकती है फिर से और पेंशन को लेकर अंतिम निर्णय भी इसी बैठक में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार विचार कर रही है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। जो आश्वासन दिया था उसको लेकर सरकार अब पेंशन के नए सिस्टम को लेकर प्लान बना रही है। तो पेंशन धारक उनके लिए किस तरह नया प्लान हो जिससे कि पेंशन धारक उनको बेहतर पेंशन मिले। बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की, तो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार जो कर्मचारी संगठन है केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे थे इसको लेकर डॉक्टर सोमनाथ की अध्यक्षता में कमेटी का जो गठन किया गया था उस कमेटी ने अब रिपोर्ट को विस्तार से लोगों से इनकी चर्चा करने के बाद सौंपी है। तो यहाँ पर क्या सरकार को ये कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है जिसके अनुसार आपको क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो कि एनपीएस से बेहतर है जिसमें आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने इनकी ये बहुत बड़ा बदलाव करते इनकी सरकार ने ऐलान किया है और मोदी सरकार ने कर्मचारी संगठन यूनियन के साथ मुलाकात की। यह पहली बार इनकी पेंशन धारक उनको एक दशक में मौका मिला है जो कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। तो चलिए जानते हैं जो यूपीएस पेंशन को लेकर क्या फैसला हुआ है। तो यहाँ पर बात करें केंद्र की, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी सौगात दी है क्योंकि आपकी जो एनपीएस मिलती उसे अब संशोधन को लेकर यहाँ पर अपडेट मिली कि नया पेंशन है जो कि एनपीएस की जगह जिसमें सुधार की मांग पेंशन धारक करे उनको लेकर यानी कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो इसका उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है जो कि नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया था
इससे कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन को लेकर बताई जा रही है जानकारी, यूपीएस पेंशन कैसे होगी, जिसमें कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे, कैसे आपको एनपीएस से बेहतर इसमें लाभ मिलेगा। तो दरअसल देखा जाए तो आज शनिवार को, यानी कि बात करें तो 24 अगस्त को यह बैठक हुई थी, और बैठक में यह जो अपनी रिपोर्ट जो कमेटी ने सौंपी थी। तो ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें की बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी ऐलान शामिल है। नौकरी बाद आपको मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस पर स्कीम को, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया जा रहा है, जिसमें कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, जैसे कि सरकार ने क्या ओपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिससे कि आपको क्या फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में देखा जाए तो क्या क्या पेंशन को लेकर स्कीमें चल रही हैं, तो उनको देखने के बाद, तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने जो यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कैसे फायदा मिलेगा, जो कि आपको एनपीएस में जो कि आपको योगदान करना पड़ता है, तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन में क्या आपको ओपीएस जैसे ही फायदा मिलेगा, क्या आपको योगदान नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल कर दिया है। कर्मचारियों की तरफ से भी जो कि एसोल्ड अमाउंट की मांग भी की जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पेंशन धारक है उनको 50% एसोल्ड पेंशन दी जाएगी, जिसमें कि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों का एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस के बाद ही मिलेगी, यानी कि आप 25 साल की एज जो यानी कि सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसी के बाद ही 50% पेंशन मिलेगी। तो एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस ला रही है, जिसमें कि सरकार ने ओपीएस की काट निकाल दी है। तो आखिर ये यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है, जिसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा, तो आइए समझते हैं कि यूपीएस पेंशन को लेकर ओपीएस की आपकी यानी कि यूपीएस पूरी डिमांड करेगी पेंशन का, यानी कि जो मांगी है उनको पूरा करेगी। दरअसल सरकार ने जिस स्कीम का बारे में ऐलान किया है यूपीएस को लेकर, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि आज से, यानी कि जो 24 अगस्त को यानी कि ऐलान सरकार ने किया है, और ये पेंशन सिस्टम है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस पेंशन, यानी कि आपके लिए जो ओपीएस की जगह, जो पेंशन धारक काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे, तो ओपीएस की बहाली की मांग को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर यूपीएस पेंशन स्कीम को यानी कि मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद वाले कर्मचारी को 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और 25 साल नौकरी करने के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी, जैसा कि ओपीएस में आपको मिलता था फायदा, वही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट होना है, जिस बड़े को पिछले काफी लंबे समय से सरकार से पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे, उनको सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात देते हुए यूपीएस पेंशन को लागू किया है, जिससे कि ओपीएस की मांग होगी आपकी पूरी। जो ओपीएस की बाले को लेकर केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के पेंशन धारक है, करोड़ों पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एनपीएस को खत्म करे, ओपीएस पर से बहाल करे, उनके लिए सरकार ने यहाँ पर रात भरा कदम उठाते हुए बहुत बड़े इनकी फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बैठक में ये यूपीएस पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। अब से आपको यानी कि बात करें 1 अप्रैल 2024 से ये लागू होगी, इसे मंजूरी आज से दे दी गई है। तो ये आपके लिए ओपीएस की जो डिमांड है उसे पूरी करने को लेकर सरकार ने रात भरा ऐलान किया है। बात करें ईपीएस को लेकर, आखिर जो पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है, अब उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि आप सभी की जो ईपीएस पेंशन है उसको लेकर सरकार नेक्स्ट क्या कदम उठाएगी। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, सरकार जो कि आश्वासन देने के बाद पेंशन के सिस्टम ईपीएस को लेकर भी तैयारियां कर रही हैं, और सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। तो यहाँ पर आपको ईपीएस पेंशन धारक उनको भी जल्द बड़ी सुगा देखने को मिलेगी।